सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और ई टी वी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ अनार के बारे में। जैसे कि राजस्थान में मृग बहार की शुरुआत है, जून जुलाई में लोग इतरल कर रहे हैं। सबसे पहले अपन जो मटेरियल देती है डेसल डोज में गोबर खाद पौधे की एज के हिसाब से, अगर पौधा 2 साल का है 3 साल का है तो 20 किलो गोबर खाद, उसके बाद उसके साथ DAP MOP मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये पौधे के थड से 2 फीट की दूरी पे खड्डे खोद के या रोटावेटर चला के आप लोग दे सकते हो। फिर उसके बाद पानी, इसमें सबसे ज़्यादा पौधे को स्ट्रेस में लाना ज़रूरी होता है। स्ट्रेस में लाने के लिए पौधे में पहले खाद देने से पहले पानी बंद करना पड़ता है, उसके लिए 15 से 20 दिन पानी बंद रखना चाहिए। पौधा स्ट्रेस में आए उस समय आप कटिंग करा के इतरल करो 5 दिन बाद, और कटिंग कभी भी इतरल से पहले नहीं करानी चाहिए, 10-15 दिन पहले नहीं करानी चाहिए। नहीं तो क्या है, आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं होता है, पानी बंद नहीं करते हैं लोग। तो डिपोलिएशन करने के लिए, पतझड़ करने के लिए इतरल 400 ml और इसके साथ 52-34 एक किलो। 52-34 का जो काम रहता है वो पत्ती को कड़क करता है, डाली को कड़क करता है, और स्टिकर 80 ml इसके साथ दो चीज़ें ही लेनी है। और प्रोपोनो का लोग लेते हैं, यूज करते हैं, लेकिन प्रोपोनो का कोई मतलब नहीं है। जब अपना इतरल से पत्ती गिर रही है तो प्रोपोनो में पैसा क्यों डालना। इतरल के बाद 4-5 दिन बाद जब पूरी पत्ती गिर जाए उसके बाद अपना फंगीसाइड स्प्रे होता है। जैसे कि कटिंग कराई होती है, बारिश का मौसम भी है तो फंगस नहीं आएगी, आपका पौधा नहीं सूखेगा, जहाँ से कटिंग हुई है घाव भर जाएगा। तो वो 5 दिन बाद जो स्प्रे लेते हैं आप लोग, उसमें COC और उसके साथ बैक्टीरिया माइसिन यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक और फंगीसाइड या बोडो मिक्सचर सबसे बेस्ट रहता है। उसमें क्या है कि नीला तोता और चूने की मात्रा होती है,